नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। इस बार मैं गांव में हूँ, मेरे गांव में। आपको मैं मेरे गांव की जो है वो शेयर कराऊंगा कैसा होता है। राजस्थान के अंदर है और देख रहे हैं मेरे पीछे बड़े सुंदर सुंदर खेत हैं। साथ में रहो मेरे, मजे कराऊंगा मैं गांव के। पीछे लहसुए का पेड़ है, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं लहसुए को, आई डोंट हैव एनी आइडिया। पर मैं एक बड़ी शानदार बाग में हूँ, चारों तरफ लहसुए के पेड़ हैं मेरे पास। पीछे देख रहे, पीछे चारों तरफ लहसुए के पेड़ हैं। ये सबसे बड़ा पेड़ ये है, इसका अचार बड़ा मस्त बनता है, दिखाता हूँ आपको। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो एक बील का पेड़ है। इतने बड़े बड़े नारियल टाइप के जो बील लगते हैं, ये बाहर से सख्त होता है और अंदर से नॉर्मल होता है। बेसिकली जो इसकी ये गर्मियों के टाइम पे इसका यूजेस ज़्यादा होता है। कहा जाता है कि इसका जो जूस बना के पीने से जो है गर्मियों के टाइम पे ठंडा रहता है, ये गर्म नहीं करता, इसकी तासीर जो है वो ठंडी है, तो काफ़ी टेस्टी भी होता है, दूध मिला के भी पीते हैं काफ़ी लोग। तो अब हम खेतों में हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हो ट्रैक्टर है। खेतों के अंदर ट्रैक्टर से हम लोग जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में कहते हैं वो पाड़ लगाएंगे, मतलब कि जो ये ज़मीन जो है वो एकदम प्लेन है। अब इसको इसके बीच में से जो पता नहीं क्या कहते हैं प्रोसेस है, मैं आपको दिखाऊंगा। पाड़ लगाना बोलते हैं बेसिकली यहाँ पर। ये इतना बड़ा खेत है ये, इसमें और उस पाड़ लगाने के बाद में ये जो है बीज जो डाले जाएंगे, और जब बारिश होगी तब वो खेत उगेगा।
अभी तो फिलहाल आज पाड़ लगा रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। नमस्कार, मेरे साथ में मेरे अंकल हैं जो कि बताएंगे कि ये आज हुआ क्या है। तो बता आज क्या करे, आज ये खेत में इनके बुला करे इन बांध लगाइए खेत बिजाई के लिए है बिजाई के लिए बांध लगाइए बाजरे के लिए। हाँ, तो इससे होगा क्या, इससे इससे जमीन फुली हो जाएगी, आज बाजरे ज्यादा लगोगे बढ़िया भूख मार के आओ। अच्छा, तो अभी इसके अंदर बीज का बीज बोने से पहले ये का ये कार्य है? हाँ, बीज बोने से पहले बांध लगाइए, अभी के बाद बारिश आओगी। अच्छा, जना, अच्छा, जना बीज। अच्छा अच्छा, तब अब बीज कब बोओगे इसके अंदर? अब जमीन के अंदर इसमें पाँच चार दिन में बारिश आ जाएगी। जब बारिश आने के बाद में? हाँ, बारिश आ जाएगी, एक बारिश होने के बाद में। हाँ। अच्छा, तो वो बीज भी इसी ट्रैक्टर से होगा? ट्रैक्टर से ही, वो तो है ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये चार पाँच दिन के बाद में जब बारिश आ जाएगी पहले, उसके बाद में ये बीज बोएंगे। कोशिश करूँगा आपको दिखाने की भी कि किस तरह से बीज बोया जाता है।